मकर संक्रांति को हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। इस पर्व को पूरे देश में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस बार मकर संक्रांति को लेकर लोगों के मन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ये पर्व 14 जनवरी को होगा या 15 जनवरी को, आइए जानते हैं कि साल 2024 में मकर संक्रांति कब मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन सूर्य देव प्रातः 2:54 पर धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस अवसर पर शुभ मुहूर्त इस तरह रहने वाला है। मकर संक्रांति पुण्य काल प्रातः 7:15 से शाम के 6:21 तक और मकर संक्रांति महापुण्य काल प्रातः 7:15 से प्रातः 9:06 तक रहेगा। मकर संक्रांति का पर्व मुख्य रूप से सूर्यदेव को समर्पित होता है। इस दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व है। वैसे तो मकर संक्रांति वाले दिन कुछ खास चीजों के दान को महादान बताया गया है। हिंदू धर्म में किसी भी चीज का दान करना बहुत पुण्य का काम होता है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन जो लोग दान करते हैं उनके ऊपर सूर्यदेव अपार कृपा बरसाते हैं। आइए जानते हैं मकर संक्रांति के दिन किन महत्वपूर्ण चीजों का दान करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। धर्म के जानकारों के मुताबिक काले तिल को शनि देव का प्रतीक माना जाता है और जो लोग मकर संक्रांति के दिन काले तिल का दान करते हैं उनके ऊपर से शनि देव अपनी टेढ़ी नजर हटा लेते हैं। तिल के दान से शनि दोष से मुक्ति मिलती है, इसलिए इस दिन काले तिल का जरूर दान करना चाहिए। मकर संक्रांति का नाम आए तो एक चीज जरूर याद आती है और वो है खिचड़ी। इस दिन लोग खिचड़ी का दान करते हैं और ये बात हर कोई जानता है कि शास्त्रों में अन्न दान को सबसे बड़ा दान माना गया है। जो भी इस खिचड़ी का दान करता है उसके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती है। मकर संक्रांति के दिन जो लोग गुड़ का दान करते हैं भगवान सूर्य उनसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। ज्योतिष में गुड़ का संबंध सीधे सूर्य देव से जोड़कर देखा जाता है। इस दिन किए गए गुड़ के दान से जीवन में धन वैभव की प्राप्ति होती है। इस दिन गाय के घी के दान को भी काफी शुभ माना गया है। इस दिन गाय के दूध से बने घी का दान करना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य देव और गुरु बृहस्पति दोनों की अपार कृपा बरसती है। जो लोग इस दिन घी का दान करते हैं उनको अपने जीवन में अपार सफलता मिलती है। इस दिन लोग कंबल जरूरतमंद लोगों को दान करते हैं। मान्यता है कि इस दिन जो लोग कंबल का दान करते हैं उनके जीवन में चल रही शनि पीड़ा और राहु दोष से उन्हें मुक्ति मिलती है, इसलिए मकर संक्रांति पर एक बढ़िया कंबल जरूर दान करें। जो लोग धन की इच्छा रखते हैं लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी धन की प्राप्ति नहीं होती है तो ऐसे लोगों को मकर संक्रांति के दिन चावल दूध और दही का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, आपकी धन संबंधी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। इस शुभ दिन नमक का दान विशेष माना जाता है, इसलिए नमक का दान जरूर करें। नमक दान करने से अनिष्टों का नाश होता है, बुरा वक्त टल जाता है, इसलिए नमक का दान मकर संक्रांति के दिन करना शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन तांबे के बर्तनों का दान करना भी काफी अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है। अब जानते हैं मकर संक्रांति के दिन कैसे करें पूजा। सुबह सूर्योदय से पहले उठें और पवित्र स्नान करें। इस दिन पवित्र नदी गंगा में स्नान करने का भी विधान है। भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और उनके मंत्रों का जाप करें। देवी गंगा के प्रति अपना आभार व्यक्त करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और ऊनी वस्त्रों के साथ दक्षिणा दें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है, इसलिए इस दिन किया गया दान पुण्य अन्य दिनों में किए गए दान पुण्य से ज्यादा फलदायी होता है। कैसी लगी आपको हमारी जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।